नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं देवघर से 40 किलोमीटर दूरी तय करके बाबा बासुकीनाथ के दरबार में आ गया हूँ। अभी हमारे पीछे देख रहे हैं, बाबा बासुकीनाथ का धाम है जो बहुत ही भव्य दृश्य है यहाँ का। और यहाँ पे अभी इस समय सावन से पहले अभी भीड़ उड़ नहीं है, बहुत आसानी से बाबा बासुकीनाथ का दर्शन हो गया, पूजन हो गया और मैया पार्वती जी का भी जो है दर्शन पूजन हो गया। और प्रांगण बिल्कुल खाली आप देख रहे हैं, इधर एकदम शांति। अभी सावन चढ़ने में 10 दिन क्या एक हफ्ता लगभग है, लेकिन फिर भी जो यहाँ का प्रांगण बहुत ही अच्छा है और साफ सफाई थोड़ा सा है। यहाँ पे जो भी भक्त अगर सावन से पहले आ रहे हैं तो बहुत आसानी से दर्शन हो जा रहा है, नहीं तो सावन में यहाँ पे इतने कांवरिया बम हो जाते हैं कि लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अधिक से अधिक 10-15 किलोमीटर दूर तक भी लाइन लग जाती है। और ये जो साइड में नया देख रहे हैं सब बन गया, इसमें सब पंडाल बनता था, इसमें बहुत काफ़ी घूम फिर के जो है रेलिंग में होते हुए जो है आना होता है, लेकिन अब जो है काफ़ी बदलाव हो गया है, काफ़ी सुंदर दृश्य है। बाबा की महिमा इतना अपरंपार है कि जो भी भक्त बाबा के दरबार में आता है वो सभी सुखों को अनुभूति करता है, सभी सुखों को भुगता है। और यहाँ पे दान पेटी रखा गया है, जहाँ पे बाबा के दरबार में आप दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, बाबा के दरबार में एक छोटा सा यहाँ पे नंदी महाराज, जो कि बहुत छोटा, जो कि आदमी अगर कोई छोटा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि बौना हो गए हैं। तो ये इस तरह से नंदी बाबा महाराज जी ये बहुत छोटे कद में हैं और यहाँ पे सभी लोग उनके पैर छू रहे हैं, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चढ़ा रहा है कुछ। तो इस तरह से जो है हिंदू धर्म में कब किस रूप में भगवान आ जाएं, किस रूप में भगवान मिल जाएं, इसलिए सभी लोग उसी तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद इतने मतलब भूखे, इतने दान मांगने वाले रहते हैं कि अब पूछिए मत, देखेंगे तो चकाचौंध जाएंगे, लेकिन दान देने से घटता नहीं है। हाँ, मंदिर के अंदर और पंडाल बाबा लोग को जो है कम दान दे सकते हैं, लेकिन जो भूखे प्यासे हैं उनको भोजन करा देंगे पैसा की जगह पे, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। और भगवान का भी कहते नहीं है कि हमको पैसा दीजिए, लेकिन एक बात है कि हम लोग इतना दूर चल के बाबा के दर्शन के लिए आए तो 7-8 साल के बाद पहली बार जो है इतना सुकून से भोलेनाथ का दर्शन हुआ, बाबा बासुकीनाथ का दर्शन हुआ। तो हम इस समय उनके बिल्कुल प्रांगण में यहीं पे हैं और बाबा बासुकीनाथ की महिमा आप लोग जानते ही होंगे, या फिर नहीं जानते तो हम वीडियो में अगले कभी किसी दिन समय मिलेगा तो हम यहाँ का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलबम बोलबम, हर हर महादेव, जय बाबा बासुकीनाथ, जय बाबा बैजनाथ।